चल मेरा भाई, पता नहीं ये साला सियासत का क्या बनेगा। अबे गाड़ी किधर? अच्छा वहां खड़ी हुई। मैं भी कैसा भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ। चल अबे बाली पता नहीं कहाँ निकला हुआ है। अल्लाह इधर। अरे अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या चाल है भाई? तुम लोग सब ठीक ठाक हो? मेरा भाई अमान है ना। अबे कहाँ शार्ट हो गए थे मेरे भाई? 4-5 दिन होने वाले, मैं 3 दिन हो गए मेरे भाई। तुम लोग तो नजर ही नहीं आ रहे। अजीब ही, मतलब हमारी याद नहीं आती क्या तुम लोगों को? है अजीब। अभी अभी क्या बोलूँ मैं? हानि तो मेरे तो क्या बोलूँ मैं? अभी रोते में बस सुन सुना लोगे, रोते में गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम लोग गुस्सा दिलवा रहे हो। पता नहीं किधर शार्ट हो जाते हो। अरे बाली पता नहीं किधर चला गया, पता नहीं क्या बोलूँ मैं इसका। भी जाने के लिए बैठे हुए, वो वाली साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। वो जो हमने हसन भाई की नहीं ली हुई थी मेरे भाई, उनकी साइड हमने पूरा घर भर एकदम चौकसा रेडी कर दिया मेरे। अबे अरे बाली का फोन आ रहा है, ये इसका मतलब बाहर कहीं निकला हुआ। मैं बोलूँ कद किधर चला गया ये? हाँ बाली आगे मैं बेटे फाटू खिटा दे यार। अबे बाली मैं तो बंगले घर पर हूँ, आगे जल्दी से यार उसकी दुकान पर आया यासिर की। अबे क्या हुआ बाली? आगे मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही यार, इसको तो दिल कर आग लगा दूँ। रो रहा है कसम से, वरना मेरा तो दिल कर सर्दियों में जो है ना इसको आग लगा देंगे। अबे बाली सर्दियाँ अभी तो गई हैं। अरे अभी गई हैं? चलो फिर इसको मैं ला के खड़ा कर दूंगा, सर्दियों में दोनों भाई आग ला के इस पर हार सेकेंगे। एक दिन इसका इंजन जला देंगे, एक दिन बम्पर, एक दिन टायर, सब स्वैपिंग कर देंगे। अच्छा लेकिन तो हो क्या, स्टार्ट नहीं हो रही क्या? अरे हाँ ना स्टार्ट नहीं हो रही, सही ला के खड़ी करी, अंदर गया बाहर आया हूँ, स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा चल मैं आ रहा हूँ, वहीं रह तू। चल जल्दी आ, जल्दी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ बाली में। अजीब ये भाई आनी तो। अबे भाई चल, अबे ओए तुम लोग, अबे तुम लोग को एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो मेरे सर के बाल उड़ रहे हैं। हाँ बीच से देखो गंजा होता जा रहा हूँ मैं, लग रहा है। अबे भाई दवाई ववाई लगा लेंगे, चलो इसी बहाने लैंड क्रूजर तो चलाएंगे। बाली तो पता नहीं किधर चला गया भाई, अजीब ही मस्ताना आदमी है कोई। अबे खुलना, आज तो नोट आएंगे नोट। चल भाई यासिर की दुकान पे ही करने क्या गया? इसका तो रोजा है कहीं, ये तो नहीं कहीं इसने शहरी में रोजा ही नहीं रखा मेरे साथ तो, लेकिन इसने शहरी करी थी। ये तो नहीं कहीं इसने मेरे को रोजा रखवा दिया और खुद छोड़ दिया। पूछूंगा करने क्या गया ये यासिर की दुकान पे मेरे भाई। वहां तो ये सिगरेट नशे पानी के सामान लेने जाता है बड़ा कोई। अगर इतना रोजा नहीं रखा हुआ ना, यकीन मानो रोजे में इसको मैं ना दिल ही दिल में दूंगा, मुंह पे तो मैं इसको दे नहीं सकता, वरना मेरा कचुंबड़ बना देगा ये। अबे लैंड क्रूजर का अपना मजा है यार, यकीन मानो भरम ही अलग आते यार इसमें तो। क्या बताऊं मैं, ये थाला बाली चलाने नहीं देता अपनी गाड़ी मेरे को चलाने। अरे ये खड़ा हुआ, अबे कौन है ये? नीचे उठा। अबे बाली मैं हूँ। तो बेटा कान फाड़ेगा क्या यार? देखो तूने टनक का हॉर्न लगाया हुआ। बाली क्या हुआ? अरे पता नहीं स्टार्ट नहीं हो रही यार, पारू का यार इतनी गर्मी में। हाय अल्लाह बाली, लेकिन एक बात पूछूं तेरे से। पूछ मेरे बेटे, तू यहाँ पे करने क्या आया? तेरा रोजा नहीं है क्या मेरा? अरे रोजा है मेरे बेटे तो फिर। अरे मतलब रोजा नहीं तो हम दुकान पर जा सकते? अरे वो लेने आया था टेंग का साशा, बेसन और पकौड़े बनाने ना यार, आलू सब्जी भी तो लेने निकलना है। अबे हाँ अच्छा ये लाना लेने आए थे तुम तो, लिया नहीं क्या तुमने? आर्डर है ही नहीं उसके पास, क्या करूँ? बोला टैंक नहीं है, 10 रुपये वाला वो जूस है पूरा जग भर के बनाना। अबे क्या पागल हो गया, चाइना का माल खिला रहा है वो मेरे को पता है 10 के साँची में 1.5 लीटर जो बनता है। अरे हाँ यार गला खराब हो जाता है, इसमें क्या हो गया मेरे भाई पता नहीं। अबे भाली तुमने ट्विन इंजन डाला हुआ है? अरे मैंने थोड़ी डाला यार, मैं तो अभी बोनट खोला पहली बार इसमें ये देखा यार। अच्छा तूने माइकल भाई से लेते हुए पहले देखा नहीं था? अरे नहीं इंजन बड़ा ढाचू है, अभी क्या करना है टो करना है? अरे घंटा टो, इसको यहीं छोड़ दे यार। वो यासिर को अंदर बोल कर गाड़ी छोड़ के जाने, अपन स्टार्ट के बाद इसको उठा देंगे। अबे वाली चोरी वोरी ना हो जाए। अरे कैसे चोरी हो जाएगी, लॉक करके जाने और यासिर को बोल देना यार। चल दही मैं बोल कर आता हूँ मेरे भाई, एक दफ़ा ट्राई कर ले स्टार्ट हो रही है तो। अरे नहीं हो रही, मैंने इसको तू सलफ मार के यार। अच्छा चल मैं चेक करता हूँ, जब मैं बोलूँ ना जब सलफ मारियो। ओके ओके वाली मारना आता है ना? अबे हाँ ना मेरे भाई, मार मार। ये देखिए कट गई, ये छोड़े जा रही है सलफ ही छोड़े जा रही है। अबे हाँ वाली, अब क्या करें मेरे भाई, स्टार्ट ही नहीं हो रही है तो। दोबारा मार, दोबारा मार। हो गई वाली, अबे फिर बंद हो गई, यही टक खा जाएगी। अभी रुक, अब मार। अबे क्या करूं, घेर में को डाली हुई यार।
तूने घर में डाल के रखी। अबे मैंने बोला चेक कर लूंगा, गलती से हाथ लग गया था मेरा। अच्छा साइड मारो अनिता, अभी मेरे लग जाते घुटने छिल जाते मेरे। अनिता तो यही खड़े यार, आगे जैसे करो फौरन बंद हो जाती है यार। शकूर को बुला लो ना। अरे शकूर की तबीयत सही नहीं है यार। अबे क्यों मेरे भाई, पता नहीं क्या वो बोलना चाहता। मैंने शायरी करी उसके बाद तो जो पेट खराब हुआ, मैंने तो वहाँ पे वर्ल्ड वॉर थ्री शुरू कर दी। हैं कहाँ पर मेरे, अरे अपने घर में यार, रुक जा यासिर को बोल देता हूँ। अरे वो यासिर मेरे भेजे जी चाचो। बेटा मेरी गाड़ी जो है ना खराब हो गई। अरे चाचा अभी तक स्टार्ट नहीं हुई क्या? अरे नहीं यार, पता नहीं क्या मसला हुआ, मैं इसको यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। तुम यहीं पर हो ना, अफतारी तुम किधर कर रहे हो? चाचा अफतारी मैं दुकान पर ही करता हूँ। अच्छा तो एक काम करो, मैं गाड़ी सामने खड़ी करी है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अफतारी के बाद लेकर जाता हूँ। ठीक है मेरे बेटे, ध्यान रखना, मैं चोरी बड़ी हो जाती है यार। सही है, पता सीजन लग रहा है तुम लोगों को, पता ईद चोरी हो जाएगी। जी जी चाचा परेशान नहीं है, बस मेरा थोड़ा ख्याल। अरे रमजान में भट्टा खो रही? नहीं नहीं चाचा, मतलब समझ गया। अच्छा अच्छा चल, कल की अफ्तारी तेरे को मेरी तरफ। अरे चाचा वेल एंड गुड, चल सही है। है ये मेरे भाई, देखता रहिए। परेशान नहीं है, आ जा मेरे बेटे। अरे शीशा साफ करो, बड़ा गंदा हो रहा है। चल यार, पता नहीं क्या बुराई आई हुई यार। वाली मेरे को लग रहा है इसका इंजन थीज हो गया। तुम क्या कराची मैकेनिक हो क्या यार? साला एक नट खराब होता है, ले मेरा भाई इसका इंजन खराब हो गया, पूरा इंजन खोलना पड़ेगा। ये वाले डायलॉग मेरे को नहीं मारो। अबे स्टार्ट हो रही है यार वो। अच्छा मेरे भाई चलो, चल लेना, बैठो ना, बैठो ना यार। चलो वाली पठान को उठाए। पठान को क्या बात को यार? अबे भाई सामान का सारा हिसाब किताब उसके पास है मेरे भाई। फिर हसन भाई के बाद जाके कोटेशन का सामान भी तो पूरा करना है, खत्म करनी है ना, घर तो बन गया, पैसे नहीं लेने। अरे हाँ तो चल लेना पठान के डर। वाली वो अपना रेलवे ट्रैक देखा तुमने, 3 नंबर का मेरे भाई? हाँ बेटे बेटे, वहीं पे एक नाई की दुकान है, वहाँ पे खड़ा हुआ बोलना। एक तो लैंड क्रूजर में हम जा रहे हैं, ऊपर से वो उसको रोज पिक करना पड़ता है। ये भी भाई सही नखरे वाला है, इतना पेट्रोल जाया हो जाता है यार। अबे अच्छा ना वाली, अब क्या करे भाई? उसको बोला कि छिंची पकड़ के रक्षा पकड़ के आया करे यार। अच्छा चल मैं बोल दूंगा मेरे भाई, बाकी तेरी मर्जी। मेरी क्या मर्जी यार, अरे जल्दी चलाओ ना यार। अबे वाली इसमें तो भाई ट्रक का हॉर्न लगा हुआ है मेरे भाई। अरे मेरे को भी नहीं पता था, कभी बजाया ही नहीं अब तक। पहली बार तूने पीछे बजाया, मेरे कूलों के तो पता चला यार। लेकिन हारन है टाइट, हाँ हाँ देख अभी कैसा डराता हूँ। देख 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 सीधा जलता बना जल लंबी। अबे वाली सुपर, अरे चाइना वाली है। अच्छा अबे देख के क्या कर रहा है मेरे भाई। अरे यार वो भूल गया था, मैंने बोला यही सब बोल देते हैं यार। अच्छा कोई साइड ढूंढो मेरे बेटे। वाली वो फ्रैंकलिन भाई का फोन आया था मेरे पास आज सुबह। अच्छा फ्रैंकलिन का तेरे पास क्यों फोन आया था यार? मेरे को क्यों नहीं करा? वो बोल रहे थे कि तेरा नंबर नहीं लग रहा था मेरे भाई। अच्छा मेरा नंबर नहीं लग रहा, ऐसा कैसे हो सकता है यार? कल ही तो नया मोबाइल लिया यार मैंने तेरे साथ। अबे क्या कर रहा है तू? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रोड़ा में कंट्रोल करना मेरे बेटे। अबे हाँ वरना ऐसा को तो छोड़ूंगा नहीं मेरे भाई। ये आ गया 3 नंबर का स्टेशन। वाली यहीं कहीं खड़ा हुआ है वो, देखो नाई की दुकान किधर है। इधर तो नहीं लग रही मेरे को इस लाइन में। वाली अगली लाइन में ही होगी, फिर उल्टे हाथ पे देखो। अबे ये खड़ा हो पठान, आजा आजा बैठ जल्दी। हाँ मड़ा, अरे मड़ा सलाम अलैकुम मड़ा। वालेकुम सलाम मड़ा, कैसा है आप तुम? बस मड़ा तुम्हारा दुआएं। और सुना मड़ा क्या चल रहा है जिंदगी में? अरे जिंदगी तो एकदम मस्त हुई है। अबे घंटा मस्त हुई है, दिमाग की बजी पड़ी है, बंद पड़ा हुआ है दिमाग, बोरिया तुम्हें गुजर रही है पूरी जिंदगी। अरे हाँ मड़ा यार, जब से रमजान शुरू हुआ है ना यार, टाइम का भी बड़ा शॉर्टेज है। नहीं मड़ा? हाँ मेरे भाई, ये वाली को पता नहीं कहाँ से मजे आ रहे हैं। अरे मजे ही मजे यार फारूक, तेरे को नहीं पता रमजान में काम कितना अच्छा है। अल्लाह कितनी मेहरबानी देगा, हमारे को अच्छी साइड मिल गई बड़ी, और देख ईद कितनी अच्छी गुजरेगी यार। अपने जाता जा मेरे बेटे। हाँ मड़ा ये तो तुम सही बोल रहे यार मड़ा, है ना मड़ा? इसको समझाओ मड़ा। अच्छा मेरे भाई तू जल्दी। अरे हसन भाई का फोन आ रहा है, उठा उठा बोलो आ रहे। अबे अबे देख भाई क्या कर, अरे मड़ा क्या कर रहा है यार तुम, क्या कर रहा है क्या? अरे चुप करो ना यार, तुम ये सस्ता शारक टैंक नहीं बनाओ। क्या कर रहा है क्या कर रहा है? हाँ हाँ सन भाई, सन भाई हम बस रास्ते में यहाँ आपकी तरफ ही आ रहे हैं। हाँ हाँ बस आ रहे हैं हम लोग। ओके ओके सन भाई, बाय। कमो बैठे बैठे बल्ले भाई जल्दी आ जाओ, मैं तो आपके चक्कर में जल्दी उठ गया, वरना शाम को 5 बजे थोक के उठने वाला बंदा हूँ मैं। अरे बड़ा नेस्ट है यार, तो यूसुफ की जाना, यूसुफ का छोटा भाई तो नहीं कहीं? अरे ज़रूरी थोड़ी, हर सोने वाला लेट सो सोने को। क्या बोल रहे हैं मड़ा तुम? अच्छा चुप करो यार तुम। वाली एक बात बताऊँ तुम्हें? कुछ बताओ मेरे बेटे। वाली वो
हाँ बोलो ना। अच्छा चलो बाद में पूछूंगा। बोलो ना, अब मैं वाली बाद में पूछूंगा। अच्छा सही है मेरे बेटे। बड़ा तुम ये बताओ कि वह हमारा हिसाब किताब करा क्या तुमने? हाँ तुम्हारा हिसाब किताब कर लिया। तुम पहले ये बताओ सामान का रसीद लेकर आए? सारा बाहर का सामान जितना भी आया उसका सारा रसीद तुम्हारे पास है हमारा? हाँ बड़ा मेरे पास ये परेशान नहीं, मेरी जेब में रखा हुआ सब। क्या वो वाली, अरे गला खराब हो रहा यार। अरे चला लो यार, अरे चला लो भाई। अरे मना यार क्या बात को शेयर कर रहा है, बराबर वाले को देख गर्मी में गाड़ी चला रहा है यार। हम तो फिर भी एसी में बैठा, ख्याल करो ना यार। अरे चला लो भाई, चला लो यार। वाली ये जो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ रही है इसके बारे में आपका क्या कहना है मेरे? अरे लाती शख्स है ये सारे, इनके तो मैं कराची में होता ना अभी मैं इनके बम छोड़ देता, इनके बड़े बड़े बम छोड़ता, मेरा एकदम बम छोड़ देता यार मैं। अबे रहने दो तो भाई, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे क्यों नहीं बिगाड़ सकता मेरे बेटे, इनका और हम सबका अल्लाह है ना, सब बिगाड़ देगा। सालों को देखो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। इमरान खान जिंदा बता। अबे साले कुछ दिनों पहले तो तुम उसको गलत गलत बोल लेते। अरे बट वो तो थोड़ा एंटरटेनमेंट यार। अच्छा अब तुम उसकी साइड पर? अरे साइड पर तो मैं अपने बाप की भी नहीं हूँ, लेकिन यार वो बंदा सही है यार, गलत नहीं है यार। और तुम मेरे से ज्यादा सियासी बातें नहीं करो, तुमको पता मैं ज्यादा सियासत में इन नहीं हूँ। अबे हाँ मेरे भाई, बड़ा देखो घर देखो अलग ही दिखता है, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा। अरे हाँ ये बात तो तुम सही बोल रहे हो बड़ा, ये दो मजदूर क्यों बैठे हुए यार? बड़ा बैठे को क्या पता यार, आ जाओ बड़ा। माशाल्लाह मेरे भाई क्या लग रहा है यार। अस्सलाम वालेकुम। अरे या कौन है मेरे बेटे? चाचा ये वो थोड़े बहुत डेकोरेशन, मैं फर्नीचर लाया तो उसकी मजदूर है, खाना पीना करा। अरे रोजा नहीं है तुम लोगों का? लगाम से काम। अरे टैरी तो चाचा छोड़े छोड़े। और सुनाए कैसे हैं आप? करो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे, तुम बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में? घर देखा पूरा देख लिया ना, ओवरऑल फैमिली वैमिली को दिखाया मेरे बेटे? अरे चाचा मैंने अपनी मदर को जरा विजिट कराया, वो तो बस खुशी से ही मतलब पागल हो गई। अच्छा अरे बस ना बस, यही हमारा देखो ये काम है, तुम खुश तो हम खुश। अरे तेरे को कोरोना है क्या यार? लगाम का टैरिक तो। अच्छा छोड़े छोड़े छोड़े। फिर हसन भाई कैसा लग रहा घर? सही सही बताना, ईमानदारी से काम एक नंबर हुआ है कि नहीं? अरे नहीं नहीं बिल्कुल फारूक भाई, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। अरे फारूक ने नहीं मैंने कहा था। जी जी बिल्कुल आपने भी कहा था। बड़ा देखो दूर से तुम्हारा घर ना माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा, नज़र उतारना सदका देना यार इसका। जी जी बिल्कुल मैंने ये सब कर दिया, तो फिर हम हिसाब किताब कर लें। हाँ मेरे बेटा रोड कौन है? तो फिर आप मुझे बताएं कि कितना सामान लगे? देखो मैंने तुमको कोटेशन पूरे 2 करोड़ के बैठाई थी मेरे बेटे, तुम हमको उसमें से अपना क्लियर कर दो। फारूक कितना हिसाब किताब बैठा है मेरे बताओ उनको। अच्छा मेरे भाई वो एक काम करो, उधर आ जाओ गाड़ी में ना पूरी वो रसीद रखी हुई वही मैं बता दूंगा। चलो ये भी ठीक, चलो आओ हसन चले। आ जाओ मेरे भाई, आओ आओ हसन भाई। चले चले बिल्कुल माशाल्लाह से। चाचा जितनी तारीफ करूँ कम है आपकी जबान पे सारी। अरे मेरे बेटे जबान का तो सारा खेल है यार, तो एक जबान का होता ना मेरे बेटे वही खट पाता है। निकाल निकाल फारूक, निकाल लो मेरे भाई। चलो ये देखो हसन भाई। अच्छा हसन भाई देखो बाहर का जितना भी माल आया है ना, ये तकरीबन इसके आपके पैसे बने हैं 70 लाख रुपए मेरे भाई, 70,95,103 रुपए। अरे मना और वो ये पेड़ पौधों का भी लगाना, वे आना सब लगाएंगे। अच्छा और बाकी जितना भी बाहर से मतलब क्या क्या आया? बाहर से आपका आया लकड़ियों का सामान, इलेक्ट्रिक का तो मैंने भी लगाया नहीं, जो 70 लाख रुपए मैंने आपको बताए ना लमतम, ये भी सब लकड़ियाँ आए हैं क्योंकि आपने वुडिन काम बहुत करवाया, सीढ़ियाँ वुडिन, दीवारें आधे से ज़्यादा वुडिन है आपके अंदर से, और फर्श पे फिर आपने फ्लोर भी थोड़ा बहुत वुडिन करवाया है ना मेरे भाई, तो फिर वो थोड़ा बहुत आपने कस्टम फर्नीचर भी बनवाया है। हाँ माड़ा बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। तो अभी जो ना ये सिर्फ लकड़ियों का 70 लाख रुपये बना है मेरे भाई, सारा मजदूरी वजदूरी इसमें सब कुछ है। अच्छा मतलब ओवरऑल जितना भी लकड़ी का काम हुआ है उसमें मजदूरी सामान कील वील छोटा मोटा सारा आइटम इसमें। जी जी मेरे भाई। अच्छा और बताओ इलेक्ट्रिशियन का बताओ? अच्छा भाई इलेक्ट्रिशियन, अच्छा मैं आपको ये सारे रेट वो बता रहा हूँ जिसमें सब काम हुआ है, सही है ऑल इन वन, इसमें मजदूरों की दिहाड़ी भी है, खाना पीना खर्चा वगैरह सब है। चले सही है, वेल एंड गुड, चले फिर बताएं। अच्छा इलेक्ट्रिशियन का जो आपका इलेक्ट्रिक का सामान आया है ना, ओवरऑल सारी वायरिंग घर की वायरिंग और जो ये जितने भी बल्ब वल्ब सारे चमकट्टे लगे हैं ना, ये आपका हुआ है अल्लाह भला करे 3 लाख रुपए में। आए बड़ा 3 लाख में कहाँ से हो गया यार, हम तो 3 लाख का सामान लाया ही नहीं है। अच्छा तो फिर कम में हो? अरे नहीं बड़ा ज़्यादा का, वही तो आधे भी नहीं बताया यार।
अबे वो तो मैंने अबे वो तो मैंने इसके बता दिए यार, ये घास फूस के बता, ये हुआ है आपका 22.5 लाख रुपए पूरे 50 रुपए ऊपर रख लो मेरे भाई। हाँ बड़ा यही तो यार फाड़ोक देख के मैंने बेटे। अबे नहीं वो बाली मतलब छोटा छोटा लिख के पठान बड़ा लिखे अगली बार। अच्छा अच्छा मड़ा माफी यार, हम स्कूल लिखे हैं ना यार, ये लिख लिया बड़ी बात है यार। अच्छा चल रही है, अरे ये सबका लंबा चौड़ा हिसाब करना, मैंने तुमको कल भी रसीद दी थी मेरे बेटे। अच्छा तो फिर चाचा आप बता दें क्या क्या करना। मेरे बेटे देखो मैंने तुमको पूरी कोटेशन बताई है 2 करोड़ रुपए। चाचा लेकिन मैं चाह रहा था कि थोड़ी बहुत कमी। देखो नहीं 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 ये तुम बात नहीं करो, ये बात तुम्हें मेरे को स्टार्ट में करनी चाहिए, अभी काम कंप्लीट हो गया है। देखो सारी बात आ जाती है जबान की मेरे बेटे, काम तुमको मैंने तुम किसी भी कंस्ट्रक्शन वाले को बुला लो या किसी रियल इस्टेट वाले को जो घर बार बेचते प्रॉपर्टी वाले, उसको इस घर की वैल्यू बताओ। यकीन मानो ये 4 करोड़ से ऊपर का जाएगा मेरे बेटे, तुमने जमीन कितने की लोग करोड़ की भी नहीं लोगे मेरे बेटे। देखो हो मानी करो मेरे को घर का अंदाजा है मेरे बेटे, अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे से पूरा पूरे लॉस एंजेलिस में बड़ा बंगले में रहता हूँ, मेरे को अंदाजा है। अगर चुल्ले चुपका जाओ मेरा। देखो अभी कमी पेशी का काम, देखो तुमने जो मेरे को पैसा दिया होगा ना जो भी जो तुम जो करो उसमें से यकीन मानो मेरे को इतनी बचत नहीं होती कि जो 22-25 मजदूर मैंने लगाए हुए थे इनकी दिहाड़ी मेरे को अभी निकालनी है नहीं निकाली। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि वो बुढ़े। अरे वो मजदूर तो बाहर से आए थे ना, उनको तो मैंने देखकर फारिग कर दिया, लेकिन जो मेरे अपने 22-25 मजदूर हैं उनको तो जब से पैसा देना है ना, अभी ये मरा का भी देना, मरा ने बड़ा काम करा यार, ये तो बड़ा मेन मजदूर था, सारे मजदूर समझ लो यही पकड़ पकड़ के ला रहा था। अच्छा हाँ मरा समझो ना, ये चीज पड़ा था बड़े काम का, कभी आना फटाजी पर तुमको खिलाएंगे। अरे मरा मेरे को उबालेगा। अरे नहीं चुप कर यार, समझते नहीं हो तुम डायलॉग, उमर शरीफ की कॉमेडी नहीं देखा यार। नहीं मरा ये कौन है, चुप करो लाइसेंस लोग को कौन नहीं जानते। अभी क्या करना ये बताओ, आज देखो तुमने मेरे को 50% दे दिए थे 1 करोड़, अभी एक खोखा तुम्हारा रहता क्या करना है। देखो ढूंढा ढूंढा नहीं करो, नहीं है तो मेरे को बता दो, थोड़े थोड़े दिन का टाइम ले लो, लेकिन ये नहीं बोलो कि चाचा कम ही पैसे कर लो। चले चाचा 90 लाख रुपये आप और ले लें। अरे नहीं मेरे बेटे नहीं होगा यार, समझो बात को, दुनिया के रात को चिल कर रही है बात को है। चुप करो यार वाली क्या बोल रहे, हटे चुप करो। चले देखो मैंने तुम्हारी बात मान के जो जो तुमने बोला मैंने वैसा काम करा है, मैंने अभी तक अपना हिसाब नहीं लगाया कि मेरे को किसी ने बचा छोड़ दिया, इन मजदूरों को मैंने 2000 रुपये दिहाड़ी पर रखा हुआ था रोज की। हाँ मैडम मेरा तो 5000 था। हाँ मैडम तेरा तो 5000 था यार, और ओवरनाइट भी काम कराया 3-4 दिन तो यार। अच्छा देखो अभी ज़्यादा नहीं करो, देने की बात है तो देखो कर लो यार, अकेली अपनी बात खराब होगी और कुछ भी नहीं यार। देखो चले सही है चाचा, मैं आपको एक चेक बना के दे देता हूँ तो आप। देखो चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, मेरे को क्वारी नहीं पसंद, वरना तुम मेरे को आधे पैसों का चेक दे दो, आधे मेरे को बैंक ट्रांसफर कर दो। चले जैसा आपको ठीक लगे। हाँ मेरे बेटे वो ज़्यादा सही रहेगा ना फारूक। हाँ मेरे भाई वो ज़्यादा सही है। चलो अभी कितने टाइम लगेगा। बस मैं अंदर जाता हूँ और 15-20 मिनट में आता हूँ। ओके मेरे बेटे जल्दी जाओ, धूप बड़ी हो रही, रो रहा है। जी जी बिल्कुल। अबे बाली क्या हुआ मेरे भाई, कहाँ रह गया, धूप में आधा घंटा होने वाला, पता नहीं चेक बना रहा क्या बना रहा है यार ये, घटा रहे यार ये। अरे मड़ा पता नहीं किधर चला गया, देखा जाता हूँ यार इसको। खजाना मेरे बेटे हसन। चाचा आ गया आ गया, बिल्कुल आ गया, बस ये रहा। अरे खजाना ये रहा ये रहा चाचा। अरे वहाँ क्या टकरिया मार दो मेरे बेटे। अरे नहीं मैं वो दरअसल कुछ और, ये ले आपका चेक। थैंक यू सो मच मेरे बेटे, बाकी घर वर में कोई भी मसला हो मेरे को बताने का, और इस लकड़ी की गारंटी है 6 महीने की, सही है मेरे बेटे। अगर झड़ने लगे भाई को बताने का चाचा को, अपने निकलवा के चेंज करवाएंगे, वैसे ईमानदारी की बात है झड़ेगी नहीं। चले सही है चाचा, थैंक यू सो मच। टेंशन नॉट मेरे बेटे, टेंशन मत करवा, खाओ पकावा। चलो मेरे बेटे अल्लाह हाफिज, कभी को काम हो तो याद करने का। जी बिल्कुल अल्लाह हाफिज, थैंक यू फारूक भाई। अरे कोई बात नहीं बाबा, चलो भाई वो पठान चल बैठो मेरे भाई, पठान उधर से। अरे किचन बैठ जाओ पठान, सुधर जाओ। अरे मना मैंने क्या करा यार, गाड़ी का चार दरवाजा कहीं से भी बैठ जाओ ना यार, साले तेरा बॉस हूँ मैं, इज्जत दे मेरे को। बाली ये वाली जगह मेरे को ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अरे तुमने काम एक नंबर करा यार फारूक, ज़्यादा ही अच्छा बना दिया। अबे अच्छा है ना मेरे भाई, वो अगला खुश रहेगा। अच्छा वो फ्रैंकलिन भाई तुम्हें याद कर रहे हैं। अरे फ्रैंकलिन को याद कर रहा है, मेरे को क्या पता मेरे भाई, फ़ोन करके पूछ लूँ क्या। आप फ़ोन करो यार, रुक जाओ मैं यहाँ से बैलेंस डलवा लूँ, पैकेज करवाना महीने वाला। चलो मैं आ रहा हूँ, तुम उसको फ़ोन करके पूछो। ओके वाली मैं पूछता। अरे कार टकरे मारा, रोडर लग रहा है क्या यार।
अबे क्या हो गया इसको? अरे काओ मेरे बेटे, हट्टा अरे काका यार तू नेटा वाली, तुम तो भाई सबको डरा देते हो। अरे यहाँ का बड़ा गंदा उठा जा रहा। अच्छा तुम फोन करो उसको। हाँ वाली कर रहा हूँ मैं। बैलेंस की दुकान किधर है? अरे आगे बैठो मेरे बैठो। चलो मेरा भाई, वो मड़ा पीछे बैठ। अरे बैठ रहा बैठ रहा। भाई फ्रैंकलिन भाई बोल रहे मैं घर पर ही हूँ, आ जाओ। अच्छा चलो उठ के भी घर चल जाना। तुमने काम नहीं पूछा था? अबे भाई मैंने पूछा क्या काम है, बोल रहे भाई जल्दी से घर आ जाओ, बस बहुत ज़रूरी काम है। मैंने बोला चलो आ रहे हैं, तुम्हारे घर के करीब ही है, तुम्हारे घर पर ही आ रहे हैं। चलो अच्छा क्या काम पड़ गया यार इसको? बड़ा ये फ्रैंकलिन कौन है यार? अरे फ्रैंकलिन मेरे ताऊ का बेटा है। बड़ा तुम्हारा ताऊ? अच्छा तेरा ताऊ नहीं था क्या? मेरा भी हो सकता है। अबे सच में तुम्हारे ताऊ का बेटा है क्या वाली? अरे नहीं यार, मेरे को क्या बता मेरे भाई। बड़ा मैंने तुमसे तो पूछा ही नहीं। बड़ा अच्छा करो यार, आलू पराठा न्यूटेला पराठा? अबे न्यूटेला? अरे चॉकलेट पराठा वही होता ना। अच्छा अच्छा अरे कौन कौन थे? अरे मना तुम मजाक नहीं उड़ाया करो यार, हम पठान का। अरे तुम्हारा मजाक थोड़ी उड़ा ना, पठान पूरी दुनिया में सबसे ईमानदार पठान और बेईमानी तो होते हैं एक जबान के। अबे फ्रैंकलिन भाई ने कौन सी गाड़ी ले ली है? अबे ऐसी गाड़ी तो हमारे चुप कर तुम्हारे बड़ा। अबे नहीं हमारे बड़े भैया के पास नहीं थी, फिर हमारे बहनों ही के पास थी। अरे यार ये बड़े भैया बड़ी बहन कमती बहनों भी आ गए, गाड़ी तो बड़ी टाइट है। अरे वाह बड़ा यार, एक वक्त के हमारी बहन के अक्षक कर उसके बड़े भैया ने हमसे समझ ले तो अपनी बहन लिया यार। अरे नहीं बड़ा बात तो सुनो यार। सुनाओ। हमारी बहन का जो यार था ना उसके पास। तुम्हारी बहन का यार तुमको पता था? हाँ तो यार हमारी बहन ने शादी करी ना, पहले यार था बाद में शोर बना। अच्छा अबे कौन कौन से रिश्ते दिखा रहे? अच्छा करो यार फ्रैंकलिन के डाटे। अबे ये बंद होता है। अच्छा काले, ओ काले। अरे वाह मना घर तो बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। काले काले खिड़ा रहे यार तू? अबे किधर है? मेरे को क्या पता यार। अरे किधर है मना? अबे अरे तुम एक बात बताओ, फारूक की आवाज आ रही ना, फारूक किधर है? नहीं मना फारूक भाई तो बाहर है यार। अच्छा फारूक? अरे नहीं नहीं मेरे को भी फारूक की आवाज आई थी, किधर है फारूक? हाँ वाली तुम अनजान है, तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंज। अरे तेरे को कहा पागल है तू? वाली क्या बोल रहा तू? अरे तुम अनजान नहीं थे अभी? अबे नहीं वाली मैं तो भारी खड़ा हूँ। अच्छा लेकिन मेरे को अंदर आवाज आई कि तूने बोला किधर है फ्रैंकलिन? अबे क्या पागल हो गया, चरिया हो गया क्या तू? अरे पठान आवाज आई नहीं, ईमानदारी से पता। अरे नहीं मना तुम्हारा ख्यान बज रहा वाली, मेरे को पता क्या वजह। क्या मेरे बेटे तुमको मेरे से प्यार इतना है ना तभी। अरे चुप करो यार, प्यार इतना है कौन है भाई? अबे फ्रैंकलिन भाई किधर हो? धूप में खड़ा करा हुआ ऊपर तुम है नहीं, हमने बोला पता नहीं घर बार खोल के गए हो। अबे नहीं है। और फ्रैंकलिन काले, तू तो ठिन पड़ी और काला हो रहा है साले, ऐसा लगता है क्या कि लानत होती है ना लानत। हाँ भाई हाँ हाँ बोल बोल भाली आ गया। हाँ तो आ गए, बट ऐसा लगता है किसी ने लानत पे गुलाब का फूल रखा तेरा मुँह पे मार दिया। अरे मड़ा 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 कॉमेडी करता है, चुप करो। ये कौन है? अरे ये अपना मड़ा पठान है, सलाम करने का पठान। ये फ्रैंकलिन डी बॉस है, शेख अमीर आदमी। अच्छा मड़ा वाह वाह सलाम वालेकुम। मड़ा वालेकुम सलाम। फ्रैंकलिन भाई एक बात बोलूँ? बोलो मेरे बेटे। अबे फ्रैंकलिन भाई को बोल लो। अरे आगे पीछे हो गया। हाँ बोलो तुम भाई। अब फ्रैंकलिन भाई तुमने बुलाया क्यों? भाली बार बार पूछे जा रहे हैं। हाँ ये तो बताओ। अबे चाचा मैंने सुना है भाई तुम कंस्ट्रक्शन वगैरह काम कर रहे हो लॉस सैंटोस में है। अरे हाँ मेरे बेटे उठी उठी देखो सबको पता चल जाता चाचा भाली फ्रॉम दी कराची ऑन दी रोड ने, किसी का मुंह थोड़ी बंद कर सकते यार। अच्छा तो फिर? हाँ तो फिर क्या? अबे बोलो ना, तुम्हारे घर बनवाना है कोई? हाँ थोड़ी बहुत रेनोवेशन करवानी। अरे इस घर की? हाँ चाचा। अरे ये तो वैसे इतना अच्छा बना, मैं क्यों बिगड़वा रहा यार? किसका क्या मतलब, तुम काम सही नहीं करते? अरे नहीं काम तो अच्छा करते मेरे बेटे। सही सही बताओ, माइकल के घर के सामने वो देखा तुमने अपना 45 स्ट्रीट का रोड? हाँ चाचा। उधर एक घर बना है, बिजा के जरा देखो, उसका नाम हसन है। अभी अभी वहीं से आ रहा हूँ, उसको मेरा नाम पूछ लेना कि घर किसने बनाया पूरा। अच्छा चलो पूछ लेंगे, पूछताछ तो कर लेंगे, देखते हैं कौन था कैसा काम कर रहे हो, या ना हो इसको चूना लगा दिया। अरे नहीं मड़ा चूना नहीं, ईमानदारी से रमजान है, सारा सामान हमने अच्छा पैसों का लगाया। बताओ इसको कितने की साइट थी पठान? वो मड़ा पूरे 2 करोड़ का साइट था यार वो। 2 करोड़ की? अच्छा तुम अपने को पठानी चूरन समझ रहा है, जितना मजदूर लेते हैं सब मेरे अंडर काम कर रहा है इस मड़ा की वजह से। अच्छा फ्रैंकलिन भाई तुमने करवाना क्या है? कुछ नहीं रेनोवेशन करवानी है, बाहर से नहीं छड़वाना ज़्यादा। अच्छा चलो तुम्हारी मर्जी, देख लो तुम लोग बताओ। अच्छा तुमने गाड़ी तुमने लिया? नहीं नहीं क्लाइंट की है, वही वर्कशॉप का काम तुमको पता था। अच्छा बड़ी टाइट है, कौन सा है ये? 1969 है। अरे 1959 की गाड़ी यार, बड़ी टाइट है, कौन सी ये डॉज है?
तुम बताओ कि काम वाम क्या कर दोगे? तुम काम बोलो, हुक्म बोलो। अच्छा चाचा, ये पेड़ पौधे जो ये सब कट जाएंगे? अरे सब कट जाएगा, पेड़ क्या नीचे के बाल। सॉरी, क्या बोल रहा हमारा रमजा? अच्छा सॉरी, थोड़ा माफ करना। ये वाले पेड़ पौधे सब कट जाएंगे, कलर वाला सब हो जाएगा, मतलब बेटे तोड़ना पोड़ना तो नहीं? तोड़ पोड़ कुछ नहीं करनी, जैसा है वैसे ही, बस कलर वगैरह चेंज, फर्नीचर का थोड़ा डिज़ाइन चेंज कराना है, फर्श का, फ्लोर का, विनाइल, ये सब हो जाएगा मतलब बेटे। देखो अच्छा, तुम काम करने का हिसाब किताब बताओ। देखो तुम कोटेशन में तुमको पूरी दे दूँ, या जो सामान आ रहा है वो तुम खुद ला रहे हो उसका खर्चा, या फिर बाकी काम खत्म होने का मेरे को दोगे? एक काम करते हैं, सामान जो है वो जितना भी है वो सब मैं अपने पैसों से तुम्हें ला के देता रहूँगा जो जो होगा। हाँ मेरे बेटे, क्योंकि वो मुझे अपनी मर्जी से डलवाना है। हाँ ये भी सही है। और जब काम ख़त्म होगा तो मुझे अपना वो बता देना। देखो तुम्हारी मर्जी है, तुमको पूरे घर की रेनोवेशन करवानी है ना? अच्छा बस सही है। तो एक काम करना, मेरे को इसका 10 लाख रुपये देना। 10 लाख रुपये? तो घर तो देखो पूरा फूलों उखाड़ेंगे, छत का काम है, कलर होगा, मजदूर तुमको पता कितने लगेंगे? अबे चाचा बहुत बताओ। नहीं नहीं मेरे बेटे, पूरे लॉस्ट एंड टॉरस घूम लो, उसके बाद मेरे पास आ जाना। नहीं 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 नहीं, 10 नहीं, 5। अरे 5? अबे क्या हो गया फारूक फ्रैंकलिन भाई, 5 लाख? अरे मड़ा, 5 में तो कुछ भी नहीं होगा यार। अबे क्या हो गया, 5 लाख बहुत है? अरे अच्छा, 5 लाख बहुत है? हाँ तो दुनिया में जो ना 7 एक जैसे शक्ल के बंदे होते हैं। हाँ तो तेरे पे और बाकी तेरे जैसे 6 पे भी लानत है। ये क्या बोल रहे हो? तो 10 लाख से कम नहीं होगा मेरे बेटे, देख लो जाता। अच्छा चलो 8। नहीं नहीं नहीं, 10 से 1 लूँ, तुमको भाई बंदी वाला रिश्तेदारी वाले पैसे दिया, वरना 20 लाख मांगता तुमसे। अरे तो चलो, कब से स्टार्ट करूँगा? जब से तुम हुक्म करो मेरे बेटे। रमजान से पहले हो जाएगा? अरे वो जो बंदा ना जिसका भी घर बनाया है, 1.5 हफ्ते में बना कर दिया पूरा घर। अबे 1.5 हफ्ते में गिर जाएगा क्या? अरे क्या बात करो, देख लो फारूक, मेरे भाई अंबुजा सीमेंट यूज करिए, उसमें गिर ही नहीं सकता वो। हाँ मड़ा, हाँ हाँ अच्छा चलो सही है, फिर कर दो। अच्छा फ्रेंकलिन, गाड़ी का एक्सीलेटर तुम बढ़ दे तो मार। क्यों? अरे बहुत टाइट लग रही है। अच्छा चलो दिखा देता हूँ भाई तुमको। अबे ये लैंड क्रूजर? हाँ मेरी है मेरे बेटे। हाँ भाई बड़ा नोट छाप रहे हो कंस्ट्रक्शन के काम से। अच्छा तो फारूक फारूक का मार। अबे वाह मेरे भाई, मार मार भाग दे ये। अरे मनस, अरे तो आग भी फेंकता यार। मार। अरे अरे ये तो व्हील मार दी यार। हाँ सब मारती है। अरे बड़ी आज तक जदीद हुई भाई यार। हाँ तो मैंने काम करा है, तुम क्या समझ। अच्छा फारूक, अरे फारूक से याद आया, गाड़ी से जदीद से, मेरी यार गाड़ी खराब हो गई, तो अच्छा करोला 1980 का मॉडल। अच्छा वो तुम्हारे पास कहाँ से ही लोसेंट? अरे मंगवाई यार एक बंदे से 1.5 लाख में। नहीं करो, बेच रहे हो? अरे नहीं नहीं, वेट का बात कर रहा है यार, मेरी गाड़ी खराब हो गई यार आज सुबह, मैं तेरे पास ना चार्ज के बाद लेकर आपसे एक बार दुकान बंद होती कल लेकर आना। चलो सही है, दुकान पर कल लेकर आऊँगा, फिर वहीं से हम तुम्हारी दुकान से घर पर बैठ के आएंगे, मजदूर पकड़ के। सही है मेरे बेटे? चलो सही है, ये सही है। ओके फिर आ जाना टोपी तो। अरे नहीं ना मेरे बेटे, फारिक हूँ, हो जाएगा 1.5 हफ्ते में तेरा काम भी हो जाएगा। सही है फ्रैंकलिन, का ले बाकी लाना तो तेरे पे बेशुमार। अबे जाओ यार। अच्छा फ्रैंकलिन भाई, लाफेज लाफेज। अच्छा हमारा अल्लाह हाफिज। बैठो यार बैठो, रिश्तेदारी नहीं बनाए खड़ो यार। पठान तुम चिश पड़ा था? अच्छा पठान एक बात बताओ, मैं पूछो मना, अफ्तारी करवा दो? अबे बड़ा अपने पास इतना पैसा। अरे तेरे को अभी दे रहा हूँ ना पैसा यार, कितने की अफ्तारी? 2000 रुपये। चलो मड़ा, तुमने हमारा तो ख्याल करा तो हम भी तुमको करा ही देता यार। करेगा किधर, तुम हुक्म करो यार मड़ा। बस मेरे बेटे जा, तू शौक से दिल से करा दे यार। अरे क्या कर रहा है तू? बड़े बाप के बढ़ गया औलाद वाली, तुमने 10 लाख रुपए कम बोले। अरे बहुत ज़्यादा बोले साले, तेरे को नहीं पता। अच्छा चलो देख लेते हैं, फ्रैंकलिन तो पागल ही है, वैसे सारा सामान जेब से लाएगा, इसको महंगा पड़ेगा, हमें देता, हम लेकर आते सस्ते हैं, क्योंकि हमारी मार्केट में बात बनी हुई है। ये ऐसे लोग जो है ना ज़्यादा होशियार बनते हैं, सबसे ज़्यादा यही पागल बनाते हैं, सबसे ज़्यादा यही लुटते हैं आने का। हाँ बड़ा ये तो है यार। चलो यार अभी घर चलते हैं, क्या टाइम हो गया फारूक? वाली 4 बज रहे हैं। चलो घर चलते हैं, थोड़ा हवा में पंखा लेते हैं, उसके बाद अफ्तारी की तैयारी करते हैं। चल सही है वाली।